हेलो एवरीवन, हाय, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन, एंड आप कमेंट कीजिए कि आप कैसे हैं। एंड चलिए आज स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के कुछ लेक्चर्स, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट स्पोकन इंग्लिश एंड what to do and how to do, what to do and how to do, मतलब कि क्या करे और कैसे करे। एंड फर्स्ट अगर आप इंग्लिश सीखते हैं या बोलते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है आपकी टेंस, वॉइस एंड समथिंग ग्रामर, कि आपका टेंस कैसा है, फर्स्ट ऑफ टेंस कैसा है, ग्रामर कैसे कैसा है, एंड कुछ ग्रामिकल चैप्टर होते हैं वो आप किस तरह से जानते हो। अगर ये तीनों आ गया तो आपको 50-60% आप स्पोकन बोल सकते हो। तो चलिए पहले यही बोलेंगे, अगर आपको सिर्फ टेंस ही आ गया ना तो आप 25-30% इंग्लिश बोल सकते हो, है ना। ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं बोल सकते हो या सिर्फ टेंस से नहीं बोल सकते हो। हाँ, टेंस से बोल सकते हो, बट धीरे धीरे आपको और इम्प्रूव करनी पड़ेगी। लेकिन अब मैं जो बता देता हूँ, ऑटोमेटिक यू कैन स्पीक इंग्लिश, है ना। तो आप चलिए बताते हैं। एंड आपको इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ यू डू टेंस, जी हाँ, क्योंकि आपकी टेंस जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक आप धूप सीधे फेस पे आ रहा है तो थोड़ा आँख बंद हो जाए, है ना। चलिए, जब तक आपका टेंस नहीं मजबूत होगा यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, बिकॉज टेंस इज अ बेस्ट इन अ बिगनर स्टूडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट। विदाउट टेंस यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, राइट इंग्लिश एंड एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ यू लर्न टेंस एंड वॉइस। जब आपकी पूरा टेंस 12 टेंस होता है, 12 टेंस होते हैं, उसको पूरा बारीकी से समझना, है ना। मैं भी जब सीख रहा था तो टेंस मुझको इतना बोरिंग लग रहा था, क्योंकि हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है टेंस टेंस टेंस, सिर्फ रट्टा मारो, समझाया नहीं जाता, रटाया जाता है, जिससे हर स्टूडेंट को टेंस बोरिंग लगता है, इंग्लिश बोरिंग लगती है। खासकर गांव वाले जो है उसको टेंस एंड टेंस इंग्लिश से तो डर ही लगता है। जब हम लोग स्कूल लाइफ में थे, 4th, 5th, 6th, 7th तक, तो इंग्लिश से भागते थे, बिकॉज हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, सरकारी स्कूल से, एंड वहाँ पे है जो क्या है वैसी व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि टीचर भी आते हैं तो वो नहीं सिर्फ इंग्लिश पढ़ा के कैसे समझाना ऐसे नहीं करते हैं। तो इसीलिए थोड़ा हमको भी प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं आप लोग का आदि समझ सकता हूँ ना। तो फर्स्ट ऑफ आप टेंस को, 12 टेंस को पूरे बारीकियों से समझ को मजबूत कीजिए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस, कई स्टूडेंट जो है टेंस तो सीख लेते हैं लेकिन वॉइस नहीं सीख पाते हैं, तो उसके लिए पहले टेंस सीखने के बाद आप वॉइस पे जोर डालिए। अगर आप वॉइस सीख जाते हैं तो देन सेकेंड थर्ड स्टेप, आप थोड़ा ग्रामिकल छोटा होता है, क्या बोलते हैं उसको, बेसिक ग्रामर, हाँ, उसमें आप पास्ट ऑफ स्पीच का अथी निकालिए, क्या बोलते हैं, पास्ट ऑफ स्पीच का चैप्टर, उसमें जितना है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव भाव सब कुछ उसी में है। ऐसी बात नहीं कि एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ उसी में है, आप उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। एंड उसको पढ़ने के बाद वॉइस हो गया आपका, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, इसके बाद ग्रामिकल, मैं तो वही बता दिए, ग्रामिकल उसको रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि मैंने जब भी कोचिंग पढ़ा, स्कूल पढ़ा, हालांकि स्कूल में तो नहीं होता गवर्नमेंट स्कूल में ग्रामर, तो मैंने कोचिंग पढ़ा तो वो बोलते थे, दे देते थे पार्ट ऑफ स्पीच में का, उसको बोलते थे याद करने के लिए, जबकि हमको पहले इंग्लिश भी नहीं पढ़ने आता था, उसमें याद करना
बहुत डिफिकल्ट होता है और वो रटना बहुत रटना नहीं है हम लोगों को, है ना। जैसे ग्रामिकल चैप्टर पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑफ स्पीच में, तो नाउन किसे कहते हैं इसको नहीं याद करना हमको, ये समझना जो कुछ हमें देख रहा है वो सब नाउन है और इसके एग्जाम्पल सिर्फ लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल में होगा राम, टेबल, कुर्सी, है ना, मतलब कि जो हमें दिख रहा है उसी से हम समझ जाएंगे। पांच टू एग्जाम्पल लिख लेंगे, नेम में लिख लेंगे, है ना, और बीच में लिख लेंगे, बिल्डिंग में देख लेंगे एंड जो कुछ एक दो ठो पूरा, जैसे कि राम लिखे तो उस पूरा नाम हो गया। ऐसी बात नहीं कि उसके चार पांच राधा कृष्णा ये सब लिख ले, सिर्फ नाम एक कोई नाम लिख दे तो उसमें पूरा हो गया। एंड भार में भी लिख लिया तो ऐसे करके ऐसे प्रणाम ऐसे करके आपको नोट्स बना लेना छोटा ग्रामिकल का, उससे आपको रोज़ देखनी है, बस देखनी है, एक बार पढ़नी है बस, अपने आप ऑटोमेटिक यू कैन लर्न इंग्लिश एंड स्पीक इंग्लिश। सो जो मैं जितना बोलता हूँ उतना आप करते जाइए, आप अवश्य इंग्लिश बोलिएगा। तो उसके लिए आपको लिए एक मोटिवेशनल इंग्लिश में है, मोटिवेट तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, इफ़ यू ज्वाइन द इंग्लिश विद 36 यूट्यूब चैनल देन यू मोस्ट स्पीक इंग्लिश, मतलब कि आप अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद 36 ज्वाइन करते हैं तो आप अवश्य इंग्लिश बोलोगे। एंड इसी तरह से हमको पूरे ग्रामर को भी अपने कब्जे में करना है। एंड टेंस हो ही गया, वॉइस हो ही गया, एंड अब मुझे नहीं लगता कि आप बिगनर के लिए इससे ज़्यादा कुछ सीखनी चाहिए, इतना ही बहुत है। लेकिन हाँ, अब यहाँ से होता है कि आप टेंस कहाँ से सीखें, तो मैं टेंस का क्लास कल से लाने वाला हूँ, आपके यूट्यूब चैनल पे ही डाला जाएगा, कल भी डाला जाएगा, मतलब कि आप देखते जाइएगा, है ना। थोड़े टाइम इतने बारीकी से टेंस को आपको सिखाऊँगा कि आपको लगेगा कि मैंने क्या सीख लिया, ये टेंस होता है ऐसे लगा, इतना इजी तरीके से सिखाने वाला, वो नहीं कि V4 यहाँ वो इतना करके नहीं लगाना, V3 ये बदल गया वो बदल गया, ऐसे नहीं करके बताऊंगा मैं, ऐसा तरीका बता दूंगा कि आप जब धीरे धीरे ऑटोमेटिक यू कैन अंडरस्टूड दैट टेंस दिस टाइप्स एंड सो आई विल ट्राई हाउ टू अंडरस्टूड शॉर्ट टेंस एंड मैं छोटा ही टेंस बनाऊंगा, मतलब टेंस पे वीडियो बनाऊंगा, एक एक टेंस, यानी कि एक दिन में ही कोई कोई दिखा देता है यूट्यूबर की 35 मिनट में आपका पूरा टेंस कवर, उसमें ये नहीं बताया जाता, आपको अच्छा से नहीं बताया जाएगा, है ना। एक या दो टेंस में रोज़ बताऊंगा एंड उस वो टेंस का वीडियो 1-1.5 मिनट का होगा तो इसलिए 2 कर दूंगा, है ना, तो 3-4 मिनट का हो जाए, तो वैसे ही करके चलिए मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। बाय बाय।